दोस्तों, ये फिर आपके लिए एक अच्छे सवाल लाया हूँ, जो कि आप बनाने में आपको कठिनाई होते हैं। नए स्टूडेंट जो है वह टाइम ज़्यादा लगा देते हैं हिसाब बनाने में, उसके लिए है यह सवाल, जिससे कि नहीं बन पाता। मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप समझ जाए, परीक्षा में आसानी से बना सके। कुछ नहीं है, जोड़ घटा के रूप में बनाना है, आसानी से बनाना है। मैं आपको बता दिया था पहले कि जो है किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा सेकंड में दिया हुआ और मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। और लंबाई हमेशा मीटर में ही होता है, किलोमीटर में नहीं होता है। सबसे पहले याद रखना कि लंबाई हमेशा मीटर में होता है, हमेशा किलोमीटर को मीटर में चेंज करें। तो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 140 मीटर लंबे एक ब्रिज पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी की लंबाई, एक सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 45 मीटर है, ये क्या है, चाल है। चाल को आप चेंज कर लें, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर को मीटर में जाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। 5/18 से गुना करेंगे तो ये 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, यानी कि 25/2 मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड की चाल से चलता है। 1 सेकेंड में 12.5 मीटर चलता है, तो 20 सेकेंड में कितना चलेगा? चूंकि 1 सेकेंड में 25/2 मीटर चलता है, तो 20 सेकेंड में गाड़ी कितना दूरी तय करेगा? तो 25/2 × 20 कर दीजिए, तो गुना तो में हो गया, या 10 से काट देंगे, 10 बार में, तो 25 नहीं 250, 250 मीटर चलेगा। तो 250 मीटर जो निकला, इसमें से 140 मीटर जो है ब्रिज की लंबाई है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या बचेगा? तो ये दोनों है, इसमें जो मिला, इसमें रेलगाड़ी, गाड़ी प्लस ब्रिज पुल दोनों की लंबाई है, तो इसमें से आप हम घटा देते हैं 140 मीटर, 140 मीटर, तो घटाने के बाद जो बचा, एक 110 मीटर जो बचा, ये सिर्फ इसमें से ब्रिज घट गया, ये कट गया, तो ये क्या बचा? रेलगाड़ी की लंबाई बचा, रेलगाड़ी की लंबाई हो गई 110 मीटर। और दूसरा तरीका क्या है बनाने का? ये एक फर्स्ट फर्स्ट मेथड हो गया इस तरह से बनाने का। सेकेंड मेथड क्या है बनाने का, कि इसको जो है फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय दूरी जो है, टोटल दूरी हो गया रेलगाड़ी प्लस ब्रिज, दोनों की दूरी जब पार कर जाता है, तब आप किसी रेलगाड़ी को कहते हैं कि ये दूरी तय कर गया या पार कर गया। पार करने में दोनों की दूरी जोड़ते हैं, गाड़ी की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई दोनों को जोड़ करके एक डिस्टेंस दूरी बनता है, तब उसके द्वारा निकालते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं जानते, एक्स मान लेते हैं, और ब्रिज की लंबाई है 140, दूरी हो गया टोटल एक्स प्लस 140, समय कितना लग रहा है? 20 सेकेंड लग रहा है। और चाल क्या दिया हुआ है? चाल जो है दिया हुआ है 25/2 मीटर निकला है, 25/2 मीटर सेकंड प्रति सेकंड निकला है। तो इसको हल करने के बाद भी 2 से कटाएंगे तो ये हो गया 10, इसको जाके इधर गुना करेंगे क्या हो गया, एक्स प्लस 140 बराबर 250, और ये 140 को इधर आके जब माइनस करेंगे तो एक्स का मान क्या निकलेगा, 110 मीटर। तो ये भी एक तरीका है सेकंड मेथड, ये फॉर्मूला से बनाइए, नहीं तो मान करके बनाइए, दो मेथड आपको बनाने का था। ये रहा टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल, फिर से एक नए सवाल लाया हूँ आपके लिए, जो कि
इस सवाल है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 60 मीटर प्रति घंटा की चाल से 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 मीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक अपनी ही दिशा में, जिस दिशा में गाड़ी जा रही है उससे अपनी ही दिशा में 6 मीटर की गति से दौड़ रहे व्यक्ति के व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी, उसे निकालना। हम इस दिशा से जा रहे हैं और इसी दिशा में एक व्यक्ति दौड़ रहा है, तो उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगा इसे निकालना है। लेकिन इसके लिए आपको याद रखना एक चीज, जब किसी व्यक्ति को पार करता है या किसी पोल को पार करता है, तो पोल को पार करने के लिए रेलगाड़ी की जो दूरी होता है उसी दूरी को सिर्फ रहता है, लेकिन चाल जो होता है, यदि अपोजिट दिशा से आ रही है गाड़ी या व्यक्ति, इस दिशा से रेलगाड़ी जा रही है, तो दोनों की चाल को जोड़ देते हैं। यदि सेम दिशा से जा रही है तो चाल को घटा देते हैं। तो यहाँ पे जिस दिशा से रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा से व्यक्ति भी दौड़ रहा है, तो इस स्थिति में हम चाल को क्या करेंगे, जोड़ घटा देंगे। विपरीत दिशा में, इस दिशा में चल रही है रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी, इसी दिशा में व्यक्ति भी दौड़ रहा है, व्यक्ति दौड़ रहा है, व्यक्ति दौड़ रहा है, तो इस स्थिति में चाल को घटा देंगे, यानी चाल को, दोनों के चाल को एक दूसरे में घटा देंगे, दोनों की चाल को घटाएंगे, आपस में घटाएंगे। यदि विपरीत दिशा में रेलगाड़ी इस दिशा में, व्यक्ति इस दिशा में चल रहा हो, युवा सेम दिशा, ये हो गया विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में जब होता है, चलता है रेलगाड़ी, किसी व्यक्ति या किसी रेलगाड़ी के एक दूसरे अपोजिट होता है, तो इस ऐसी स्थिति में दोनों की चाल को आपस में जोड़ देते हैं। तो इस कंडीशन को याद रखिए, इसके बाद मैं आपको अब सवाल बनाता हूँ कि इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर और चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर, तो 60 में 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे। लेकिन दूसरी बात आपको याद रखना है कि यह मीटर में है और या किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर इसको चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में समय निकालने के लिए उसे मीटर प्रति सेकंड बनाना होगा, तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो यह हो गया सेकंड में निकलेगा, ये जो समय निकलेगा सेकंड में। अब इसे हल कर लें, समय बराबर पर होता दूरी बटे चाल, चाल को हम घटा दिए क्योंकि सेम दिशा में, 120/54 गुना 5/18, 18 + 54, 3 × 4 बार में 40, बार में 5 × 8 = 40, मैंने 8 सेकेंड टाइम लगे सेकेंड। ये आसान तरीका था बनाने का, इजी है, भाग के रूप में देखिए और बना लीजिए। थैंक यू। लाई लेका वाला को लाई लेका वाला।
सुनते धक्के यहाँ चल।